Hello students, hope you all are studying at home, and today we will start or we will learn about new method which is observation method, yani ki nirikshan vidhi. Isko hum avlokan vidhi bhi kehte hain. Okay, if we take the outlook of this method, agar hum isko mote taur par dekhe to is method mein, yani ki nirikshan method mein, avlokan vidhi mein पहले सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, अवलोकन किया जाता है. उसके लिए क्वेश्चंस होते हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं. साइंटिफिक मेथड की अगर बात की जाए, इसके अंतर्गत ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर क्वेश्चंस होते हैं, उसको ढूंढा जाता है, फिर हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं कि ये रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, देन एनालिसिस, जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं उसको, डाटा जो मिले हैं, आंकड़े मिले हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाता है कि आपकी जो एनालाइजमेंट होने के बाद, जो आपने एनालाइज किया है डाटा को, उसके बाद आपके पास क्या कंक्लूजन आया. तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक फील्ड में की जा सकती है, उसके साथ साथ अदर फील्ड्स में भी आप कर सकते हैं. एंड टेक्निकली इफ़ यू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन मैथड, अगर हम इसको टेक्निकली जाने, दैन द ऑब्जर्वेशन मैथड इज़ डिस्क्राइब्ड एज a method to observe and describe the behavior of a subject. Here subject means person. As the name suggests, it is the way of collecting relevant information and data by observing anyone. So education की field में अगर हम बात करें तो इसमें जो अध्यापक हैं वो छात्रों के व्यवहार को स्वाभाविक परिस्थितियों में देखते हैं, और इसमें कानों या फिर बोलने से ज़्यादा देखने पर फोकस किया जाता है, यानी कि बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है. बच्चों को बच्चों की जो वास्तविक कक्षा में, यानी कि जो नेचुरल जो क्लास है, उसमें उनको ग्रुप में देखा जाता है कि उनकी क्या क्या इंटरेस्ट हैं, उनकी रुचियों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, उनके बिहेवियर को, व्यवहार को, उनकी जो मेजर मेजर डिटेल्स हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं. कितने बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, और किस तरह कौन कितना कोरिलेट करता है आपस में, किस तरह से कौन कौन पार्टिसिपेट ले रहा है क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, और कौन रिस्पॉन्सिबल है. आपने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने कोई उद्देश्य बनाया है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है क्लासरूम में, कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो किसी स्टूडेंट के जो बिहेवियर का जो टर्निंग पॉइंट है, या फिर बिहेवियर का जो निर्माण है, या मेमोरी है, या कोई मिसबिहेव करता है, तो कुछ और तरह की जो एक्टिविटीज़ को जज करने के लिए आप ये ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर क्वेश्चंस आपके, फिर हाइपोथेसिस बेस रहेगा, फिर एक्सपेरिमेंट एनालिसिस होगा, देन कंक्लूजन आपके पास सामने होगा. वेल स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसको डिफाइन किया है. जैसे ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो अवलोकन का मतलब है घटनाओं को जैसे वे प्रकृति में होती है, कार्य तथा कारण संबंध की दृष्टि से तथ्य देखना या नोट करना. प्रोफेसर गुडे और हॉट के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और इसे अंतिम रूप में प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण पर ही लौट आना पड़ सकता है. साइमन के विचार के अकॉर्डिंग सहभागिक अवलोकन कोई विधि नहीं है, अपितु कई विधियों तथा तकनीकों का एक संयोग है. इस तरह से वेरियस आपको डेफिनेशंस मिल सकती है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उनकी तरह से आप पढ़कर उनको कंक्लूड कर सकते हैं खुद से. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. निरीक्षण विधि के कितने प्रकार हैं उसके बारे में आप जानते हैं. निरीक्षण विधि बहुत तरह की होती है. फॉर एग्जाम्पल, नेचुरलिस्टिक, कंट्रोल्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, सरल या फिर अनियंत्रित विधि, व्यवस्थित या नियंत्रित निरीक्षण विधि, आयोजित, सहभागी या असहभागी निरीक्षण विधि, या फिर सामूहिक निरीक्षण विधि. सो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं और इनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस भी है. ओके, अब इनको डिटेल में जानते हैं कि ये क्या क्या है. सबसे पहले हमारे पास है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मैथड, यानी कि सरल या फिर इसको अनियंत्रित विधि भी कहते हैं हम. इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन की फील्ड में अगर हम बात करें, इसमें स्टूडेंट्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है. उनको किसी भी तरह का उन पर स्ट्रेस नहीं होता है, किसी भी
कुछ कुछ भी अगर हमें जज करना हो हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसमें जो रिसर्चर है यानी कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को दूर से देखकर ऑब्जर्व करती है, उनके बिहेव को स्टडी करती है और उनको कुछ भी नहीं बोलती है ना उनसे बात करती है, बस दूर से ही ऑब्जर्व करती है। ये बहुत इजी मेथड भी है और अनकंट्रोल्ड है, यानी कि इस पे जो स्टूडेंट्स हैं उन पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। सो नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि नियंत्रित निरीक्षण विधि, इसको हम व्यवस्थित निरीक्षण विधि भी कहते हैं। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसको एक लेबॉरेटरी में किया जाता है क्योंकि इसमें हर चीज़ें प्रॉपरली मैनेज्ड होती है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर इसमें यूज़ किए जाते हैं और इसमें जो ऑब्जर्वेशन करने वाला होता है वो भी खुद पर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है और जिस पे ये ऑब्जर्वेशन की जानी है उनको भी नियंत्रित तौर पर रखा जाता है, उनको कंट्रोल प्लानिंग के साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये एक तरह से व्यवस्थित होती है, प्रॉपर कंट्रोल्ड होती है और इसकी पहले से ही प्लानिंग बनी होती है और इसके अनुसार जो होता है कि जो ऑब्जर्वेशन की जाती है उसमें कम त्रुटियां पाई जाती है, यानी कि वेरी लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स हियर। वी हैव हियर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि आयोजित निरीक्षण जो पहले से ही आयोजित की जाती है, इसको हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम से लेकर ये आयोजित की जाती है और रिसर्चर इसमें यानी कि ऑब्जर्वर इसमें प्रॉपर स्कीम्स को डिफाइन करता है, कोड करता है और डाटा कलेक्शन के लिए या फिर जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो इसमें दो तरह से इसमें कलेक्ट की जाती है, यानी कि कंट्रोल और फ्री एनवायरनमेंट में इसमें डाटा कलेक्शन की जाती है। अगर इसको नॉर्मल तरीके से समझा जाए तो इसमें किसी विशिष्ट आवश्यकताओं या फिर विशेषताओं घटनाओं को जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें निरीक्षण से पूर्व जो नियंत्रण रखा जाता है, जो आपके बच्चे होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, अगर टीचर स्टडी कर रही है बच्चों को पहले से ही कंट्रोल किया जाता है और उनको पता होता है कि उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जा रही है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है और इसको हम आयोजित भी बोलते हैं, नियंत्रित निरीक्षण भी कहते हैं। इसमें बच्चों की जो अध्ययन है वो व्यवस्थित और नियंत्रित वातावरण में यानी कि कंट्रोल्ड पहले से ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, स्ट्रक्चराइज्ड होता है यानी कि प्री प्लान्ड होता है इसमें जो ऑब्जर्वेशन है। ओके नेक्स्ट वी हैव हेयर अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं या फिर सामूहिक निरीक्षण भी कह सकते हैं और ग्रुप स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें बच्चों को कंट्रोल और फ्री एनवायरनमेंट दोनों तरह की एटमॉस्फेयर में यानी कि एनवायरनमेंट में हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और इसमें स्पेशल तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं वही बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब इसमें स्किलफुल टीचर होने बहुत ज़रूरी है। बच्चों का इसमें बिहेवियर एनालाइज किया जाता है, जैसे बच्चे बच्चों को ग्रुप में इसमें जज किया जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चे अगर एक समूह में प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या फिर एक ग्रुप में कहीं पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से उनके या फिर कोई किसी एक्टिविटी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, इस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चराइज अनस्ट्रक्चराइज तरीके से ग्रुप में बच्चों को इसमें स्टडी किया जाता है। अगली जो हमारे पास विधि है ऑब्जर्वेशन की वो है पार्टिसिपेंट एंड नॉट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि सहभागी निरीक्षण और असहभागी निरीक्षण। सहभागी निरीक्षण यानी कि जिसमें जो निरीक्षण करता है यानी कि टीचर है, ऑब्जर्वर जो है वो उस ग्रुप का एक मेंबर की तरह बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं और टीचर या ऑब्जर्वर उस ग्रुप का एक मेंबर होता है और एज अ ग्रुप लीडर, एज अ ग्रुप पार्ट ऑफ अ ग्रुप, वो ग्रुप के सदस्य के तौर पर उन्हीं की ही तरह बनकर टीम मेंबर बनकर
बिना उनको बताए ऑब्जर्वेशन का काम करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन जब बच्चों को पता लग जाता है कि ये तो हमें ऑब्जर्व कर रहा है इनडायरेक्टली, तो बच्चे प्रॉपर वैसा बिहेव नहीं करते हैं जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। यानी कि ये पूरी तरह से पार्शियल नहीं है, और निरीक्षणकर्ता जो निष्पक्ष या फिर वस्तुगत इंफॉर्मेशन या फिर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं एक्वायर कर पाता है, क्योंकि एट लास्ट बच्चों को पता लग जाता है कि उनमें से ही कोई एक उनको चेक रख रहा है, उन पे ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या असहभागी निरीक्षण। इसमें जो ऑब्जर्वर है यानी कि निरीक्षण करता है, वो ग्रुप से बाहर रहकर, बच्चों के ग्रुप से बाहर रहकर बच्चों को स्टडी करता है। और इसमें जो इंट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल नहीं होती है ऑब्जर्वर और जो डाटा है यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो बच्चे हैं। और जिस कारण क्या है कि जो नेचुरल जो रिजल्ट सामने आते हैं वो हमें काफ़ी अप्रोप्रिएटनेस भी देते हैं, यानी कि उनमें गुणवत्ता भी होती है जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को कुछ पता नहीं लग रहा होता है कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है ग्रुप से बाहर भी। तो इस तरह से ये जो है इसके जो रिजल्ट रहते हैं ये निष्पक्ष हैं और वस्तुगत होते हैं और इफेक्टिव भी रहता है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो हमने अभी सारे मेथड्स जान लिए हैं निरीक्षण विधि के, यानी कि ऑब्जर्वेशन हम किस तरह से कर सकते हैं बीइंग अ टीचर, और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से ये हेल्पफुल है, क्या क्या टाइप्स है, किस तरह की ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, यानी कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड अगर आप अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो खोज करने के लिए, इन दिस इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, खोज करने की विधि है एक। तो सबसे पहले जो एडवांटेजेस है, दैट इज़ प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू रिसर्च फिनोमिना। जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो आपको, उसके जो रिजल्ट है वो आपको प्राप्त हो जाते हैं इस मेथड के थ्रू। बाय ऑब्जर्विंग फर्स्ट हैंड द रिसर्चर कैन कलेक्ट, चेक एंड रिकॉर्ड एक्यूरेट डाटा। क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन की जा रही होती है वो फर्स्ट हैंड की गई होती है, खुद से कर रहे होते हैं, किसी और को असिस्टेंट बना के नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि समूह में जाकर या समूह से बाहर रहकर, ग्रुप में जाकर, वाइल गोइंग इन द ग्रुप और आउट ऑफ द ग्रुप यू आर ऑब्जर्विंग योर चिल्ड्रन और योर स्टूडेंट्स। सो इट इज़ क्वाइट यू नो फर्स्ट हैंड कलेक्शन ऑफ डाटा विच गिव्स अस एक्यूरेटनेस एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड। नेक्स्ट वी हैव हियर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। ये बहुत लचीली प्रक्रिया है और लचीली विधि है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विधियाँ हैं, जिस तरह से आपको खुद को कंफर्टेबल फील हो उस तरह से आप बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को जान सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड बेसिकली टू नो बच्चों के बिहेवियर को जानना, टू नो द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट वी हैव हियर जनरेट अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर रिकॉर्ड ऑफ फिनोमिना एंड रिसर्चर और अदर्स कैन रेफर विद इट लेटर। सी इसमें जो रिसर्च की जाती है, जब टीचर किसी प्रॉपर फिनोमिना या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिसर्च करती हैं, तो वो जो रिकॉर्ड मिलते हैं वो न केवल उस टीचर के लिए हेल्पफुल हैं, बल्कि और टीचर्स जो हैं किसी और सब्जेक्ट्स के, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहते हैं, या कमिंग टीचर्स के लिए भी। नेक्स्ट क्लास में बच्चे प्रमोट होकर जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास के जो टीचर हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं, एक बार अगर उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए। जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स मिलते हैं, कलेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव हियर द ऑर्गेनाइजेशन मेथड इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मैथड ऑफ डाटा कलेक्शन, इट डजेंट रिक्वायर टू मच टेक्निकल नॉलेज। एक सिंपल टीचर भी इसमें कोई किसी तरह की साइकोलॉजिस्ट यानी कि विशेषज्ञ स्किलफुल होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टीचर कैन ऑल्सो कलेक्ट डाटा और ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी हैव हियर द ऑब्जर्वेशन मैथड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, द रिसर्चर कैन ऑब्जर्व एंड केम टू नो सॉरी कम टू नो अबाउट द एक्टिविटीज पार्टिसिपेंट्स लाइक एंड डिसलाइक्स टू फॉर्म अ हिस्ट्री थेरी ऑन हिज सब्जेक्ट। सी इसमें जो हाइपोथेसिस यानी कि भविष्य में क्या रिजल्ट मिल सकते हैं वो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, और जो परसेप्शंस हैं एक्टिविटीज़ को देखकर वो अज्यूम की जा सकती हैं, और थ्योरी से संबंधित यानी कि क्या सिद्धांत आप खुद से बना सकते हो कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन के लिए किस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं, उनकी
जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उससे संबंधित आप हाइपोथीसिस पहले से ही बना सकते हैं, खुद से ही अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है ऑब्जर्वेशन करते करते। नेक्स्ट वी हैव हियर, ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड इन ऑल साइंस एंड इज साइंसेस एंड इज़ वेरी इजी टू फॉलो एंड एक्सेप्ट। बहुत आसान विधि है और साइंस के कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। नेक्स्ट वी हैव हियर, इन सम इंस्टेंस ऑब्जर्वेशन इज़ द ओनली अवेलेबल टूल टू कलेक्ट इसेंशियल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कई बार ऑब्जर्वेशन विधि जो विधि है आपकी वही अप्रोप्रिएट या फिर सबसे बेहतरीन या आप बोल सकते हैं ईजी है डाटा कलेक्शन के लिए। इससे आप कई बार बहुत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी भी मिल जाती है। द ऑब्जर्वेशन मैथड डज नॉट रिक्वायर द विलिंगनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट टू रिकॉर्ड, द रिसर्चर कैन ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड रिकॉर्ड हिज फाइंडिंग्स। आप बिना किसी को आहत पहुँचाए या विदाउट यू नो विलिंगनेस ऑफ एनी पार्टिसिपेंट, आप किसी को अगर कोई बच्चा विलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है मान रहा है, कई बार होता है बच्चों से कुछ पूछते हैं तो वो विलिंगफुल नहीं होते हैं, बता पाते नहीं बता पाते हैं, लेकिन जब आप दूर से उनको ऑब्जर्व करते हैं यू विल गेट द नॉलेज ऑफ द थिंग्स। आप उनको दूर से देख के ही इस विधि के द्वारा निरीक्षण कर सकते हैं, उनके बारे में उनके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। तो ये एक तरह से कंफर्टेबल भी है और अप्रोप्रिएट विधि भी है। नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, क्या क्या कमियां हैं त्रुटियां हैं। हर मेथड में कोई ना कोई त्रुटियां होती हैं, तो इस मेथड की त्रुटि भी है यानी कि डिसएडवांटेजेस भी हैं। फेस और फेसेस सिवियर डिसएडवांटेजेस बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। इसमें जो डाटा कलेक्शन है उसको करते करते बहुत समय लग सकता है, हो सकता है टीचर को एक दिन लगे, दो दिन लगे या तीन घंटे लगे, मतलब इसमें टाइम लिमिट नहीं होती है। नेचुरल अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है तो उसमें बच्चों को या जो पर्टिकुलर बिहेवियर है नेचुरल एनवायरनमेंट में वो देखने के लिए आपको घंटों वेट भी करना पड़ सकता है, बिकॉज आप बच्चों को इसमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसमें टाइप्स आपने पढ़े हैं। कई बार आप बच्चों को बिना बताए अनकंट्रोल्ड अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देयर इज़ अ चांस ऑफ हायर ऑब्जर्वर बायस इन द ऑब्जर्वेशन मैथड। हाँ, इसमें एक और बात है कि इसमें बायसनेस हो सकती है, चांसेस रहते हैं, हो सकता है कोई स्टूडेंट या ऑब्जर्वर का कोई नोन हो या कोई और पॉजिटिव पॉइंट हो जो पता हो ऑब्जर्वर को, तो इसमें कई बार बायसनेस यानी कि भेदभाव की संभावना भी रहती है। सेवरल पर्सनल बिहेवियर्स आर नॉट ओपन फॉर ऑब्जर्वेशन एट दिस एंड दिस प्रूव्स अ लिमिटेशन इन केसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। कई बार कुछ पर्सनल बिहेवियर्स जो हैं वो ओपन नहीं हो पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं, बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर कुछ चीज़ें वो खुद से छुपा के रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप उसको भी जान पाओ। देर इज़ अ हायर चांस ऑफ द ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अ सिंपल ग्रुप एलिमेंट्स। हो सकता है कि जो एक ग्रुप का जो बिहेवियर है आप उसको देखकर अगले ग्रुप का भी ऑब्जर्विंग जो आपका जो टेम्परामेंट है वैसा ही बनाओगी, यही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अनसर्टेनिटीज ऑफ द इवेंट कैन नॉट डिटरमाइन द एक्चुअल टाइम व्हेन द इवेंट विल टेक प्लेस एंड दिस इज व्हाई एवरी अकरेंस दैट इज ओपन टू ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। कई बार जो एक्चुअल समय में जो पर्टिकुलर टाइम है उसमें अनसर्टेनिटीज देखने को मिलती है, आप पहले ही खुद से नहीं बता सकते हैं कि इस टाइम पे ये होने वाला है, और या फिर आप उस चीज़ के लिए पहले से तैयार नहीं होते हैं, हो सकता है आप किसी चीज़ को मिस भी कर दें, ऑब्जर्व आपसे ऑब्जर्वेशन ना हो पाए, कुछ चीज़ें का जो समय है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है और आप हर समय बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हियर, मैनी ऑफ द इंसिडेंट्स आर एब्स्ट्रैक्ट लाइक लव अफेक्शन एंड द रिसर्चर कैन नॉट गेन एन एग्जैक्ट एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ दोज। यस, इंडिविजुअल डिफरेंस इज ऑल्सो देयर। हर बच्चे में कोई ना कोई एरर होता ही होता है एंड बीइंग अ टीचर और ऑब्जर्वर एजुकेशन के फील्ड में पता होता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, तो वो एग्जैक्ट कई बार हम पर्सनल बायसनेस या अफेक्शन या लव के कारण जो रिसर्चर हैं
वो प्रॉपर रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाता। द सोशल फिनोमिनन जनरलाइजेशन मेड बाय ऑब्जर्वेशन आर नॉट कंसीडर्ड रिलायबल एज इट कैन नॉट बी यूज फॉर लैब एक्सपेरिमेंट्स। सोशल यानी कि जो सोशल फिनोमिना है जो जनरलाइजेशन का, यानी कि जो सोसाइटी में किया गया है, यानी कि जो कॉमनली जो डाटा कलेक्शन है उसको आप जो लैब के लिए अप्रोप्रिएट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सोशल बिहेवियर, कई बार बच्चे सोसाइटी में कुछ और बिहेव करते हैं, क्लासरूम में कुछ और बिहेव करते हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझें, दे चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम। सो यू कांट कम टू द नटशेल, आप सही जो बिहेवियर की जो एक्सप्लेनेशन है उस पर नहीं पहुँच सकते। इन सम केसेस इट इज सीन दैट टू पर्सन्स ऑब्जर्विंग द सेम फिनोमेना केम कम टू डिफरेंट रिजल्ट्स। बहुत बार देखा है कि एक ही ग्रुप को दो ऑब्जर्वर अलग अलग तरीके से अलग अलग अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, एंड सेम उनका जो टारगेट है वही होता है, लेकिन दोनों ही ऑब्जर्वेशन में हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है जो ऑब्जर्वर है उसका प्रस्पेक्टिव क्या है, उसके हाइपोथेसिस क्या है, या फिर क्योंकि हर जो ह्यूमन है उसका अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का, तो वो भी डिपेंड करता है, वेरी करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस ऑल्सो वेरीज ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। ऑब्जर्वेशन मैथड इज़ कंसिडर्ड एन एक्सपेंसिव अफेयर एज इट रिक्वायर्स हार्ड एफर्ट, प्लेंटी ऑफ टाइम एंड हाई कॉस्ट। यस, जो ऑब्जर्वेशन मैथड है वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है, इसमें प्लानिंग करनी पड़ती है पहले, डाटा कलेक्शन, अगेन एंड अगेन ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए आपको आप में स्टेमिना चाहिए, आप स्टेबल रहना पड़ेगा, आपको कंट्रोल रहना पड़ेगा, आप जिस भी आप मेथड को यूज़ कर रहे हैं, जिस भी टाइप को आप यूज़ कर रहे हैं, और टाइम कंज्यूमिंग ये ऑब्वियसली है ही। हो सकता है वो बिहेवियर जो आप जज करना चाहते हैं आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे ना मिले, उस ग्रुप पे ना मिले, हो सकता है उस ग्रुप में सारे फ्रेंड्स ही हों तो आपको प्रॉपर आप रिजल्ट्स ना मिले आपको, और ये कॉस्टली भी रहता है आपको। डिफरेंट डिफरेंट अगर हम इसको साइंटिफिक उसमें देखें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती है, और आपको ग्रुप्स बनाने भी पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। यू कैन इंक्वायर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। खोज करने की ये एक विधि है, आप इससे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट या इम्प्लाई कर सकते हैं।